Hello students, welcome. How are you? All are fine? Good. Today's our subject is English. Students, welcome to our English class. What we learn today? Today हम क्या सीखने वाले हैं students? Dictation words. क्या सीखेंगे हम? Dictation words. And write the name of given pictures. क्या सीखेंगे हम? Dictation words. And write the name of given pictures. तो students, डिक्टेशन वर्ड है वो क्या है पता है आप लोगों को? आपने अपनी टेक्स्ट बुक में आगे वन टाइम सीखा है ना। डिक्टेशन वर्ड मतलब यहाँ से आपकी मैम जो स्पेलिंग वर्ड बोले वो आपको इन सब बॉक्स में लिखना है, उसे क्या कहते हैं? डिक्टेशन। तो चलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो हम फर्स्ट बॉक्स में कौन सा वर्ड लिखेंगे? BOY, बॉय। क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? BOY, बॉय। BOY, बॉय। क्या लिखा स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट बॉक्स में? BOY, बॉय। अब हम सेकेंड बॉक्स में क्या लिखेंगे? CAT, कैट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम? CAT, कैट। क्या लिखा स्टूडेंट हमने सेकेंड बॉक्स में? CAT, कैट। फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा? BOY, बॉय। सेकेंड बॉक्स में लिखा हमने CAT, कैट। अब हम थर्ड बॉक्स में क्या लिखेंगे? SIT, सीट। क्या लिखा स्टूडेंट हमने थर्ड डिक्टेशन? SIT, सीट। अब फोर्थ नेक्स्ट वन में क्या लिखेंगे हम? किंग। क्या लिखेंगे? किंग, KING, किंग। राइट, किंग, KING, किंग, KING, किंग। फर्स्ट में क्या लिखा हमने? बॉय। सेकेंड केट। थर्ड सीट। फोर्थ किंग। अब हम फिफ्थ में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? लेग। क्या लिखेंगे? लेग, LEG, लेग। राइट नाउ, LEG, लेग, LEG, लेग। फर्स्ट क्या लिखा? बॉय, कैट, सीट, किंग, लेग। अब हम नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हेयर। क्या लिखेंगे? हेयर, HAIR, हेयर। हेयर यानी हेयर, पता है ना हेयर किसको बोलते हैं? हेयर किस में आता है? बॉडी पार्ट्स में, HAIR, हेयर। अभी नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट? हैंड। क्या लिखेंगे? हैंड, HANDY, हैंड। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट हमारा? हैंड, HANDY, हैंड। नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे हम? एप्पल। अभी हम फ्रूट्स नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एप्पल। एप्पल का स्पेलिंग क्या आता है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने आगे फ्रूट्स नेम सीखा है ना। एप्पल का स्पेलिंग क्या आता है? APPLE, एप्पल। राइट नाउ, एप्पल, APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल। नेक्स्ट वन हम क्या लिखेंगे? ग्रेप्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ग्रेप्स। ग्रेप्स का स्पेलिंग क्या आता है? GRAPES, ग्रेप्स। राइट नाउ, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। नेक्स्ट वन क्या है? रेड। क्या है? रेड। रेड क्या है? कलर्स। क्या है? कलर्स, RED, रेड। राइट नाउ, रेड, RED, रेड, RED, रेड। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वापिस कलर नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कलर। अभी हम कौन सा कलर लिखेंगे स्टूडेंट्स? ब्लैक। कौन सा लिखेंगे? ब्लैक। ब्लैक का स्पेलिंग क्या आता है? BLACK, ब्लैक। राइट नाउ, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। क्या लिखा स्टूडेंट हमने?
ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक। अभी हम एक्शन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्शन वर्ड। आप लोगों ने एक्शन वर्ड सीखा है ना। अब हम कौन सा एक्शन वर्ड लिखेंगे? ईटिंग। क्या लिखेंगे? ईटिंग। तो ईटिंग का स्पेलिंग क्या आता है? प्रैक्टिस की है ना आप लोगों ने आगे अपनी टेक्स्ट बुक में, तो क्या आता है ईटिंग का स्पेलिंग? ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। क्या आता है? ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। तो चलो लिखे हम ईटिंग। ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। नेक्स्ट हम वापस एक्शन वर्ड लिखेंगे। अभी हम कौन सा एक्शन वर्ड लिखेंगे? राइटिंग। किसका लिखेंगे? राइटिंग। तो राइटिंग का स्पेलिंग क्या आता है स्टूडेंट्स? क्या आता है? डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। क्या आता है स्टूडेंट्स? डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। W R I T I N G, writing. W R I T I N G, writing. Next one हम क्या लिखेंगे students? Blue. क्या लिखेंगे? Blue. B L U E, blue. B L U E, blue. क्या लिखा स्टूडेंट हमने? नेक्स्ट वन ब्लू। अभी हम लास्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे? कौन सा कलर लिखेंगे स्टूडेंट? पिंक कलर। कौन सा लिखेंगे? पिंक। पिंक का स्पेलिंग क्या आता है? पी आई एन के, पिंक। क्या आता है? पी आई एन के, पिंक। पी आई एन के, पिंक। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितनी अच्छी तरीके से डिक्टेशन वर्ड्स की प्रैक्टिस की। किसकी प्रैक्टिस की हमने? डिक्टेशन वर्ड की। तो चलो वापस वन टाइम रिवीजन करें। बी ओ वाई बॉय, सी ए टी केट, एस आई टी सीट, के आई एन जी किंग, एल ई जी लैग, एच ए आई आर हेयर, एच ए एन डी हैंड, ए डबल पी एल ई एप्पल, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स, R E D red, B L A C K black, E A T I N G eating, W R I T I N G writing, B L U E blue, P I N K pink। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितनी अच्छी तरीके से डिक्टेशन वर्ड्स की प्रैक्टिस की ना। तो अभी हम नेक्स्ट वन क्या सीखने वाले हैं? राइट द नेम ऑफ गिवन पिक्चर्स। इसमें क्या करना है पता है आप लोगों को स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हैं उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसका करेक्ट नेम इसमें लिखना है। किसमें लिखना है? इस बॉक्स में। तो चलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। विच पिक्चर इज दिस? ये किसका पिक्चर है स्टूडेंट्स? सन। किसका है? सन। तो सन का स्पेलिंग क्या आता है? एस यू एन, सन। राइट नाउ, एस यू एन सन। विच कलर इज दिस? ये कौन सा कलर है स्टूडेंट्स? ग्रीन। कौन सा कलर है? ग्रीन। तो हम यहाँ पर किसका स्पेलिंग लिखेंगे? ग्रीन का। और ग्रीन का स्पेलिंग क्या है? जी आर डबल ई एन, ग्रीन। तो चलो स्टूडेंट्स लिखे हम। ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। फर्स्ट पिक्चर कौन सा था? सन, एस यू एन सन। सेकेंड कौन सा था? ग्रीन, जी आर डबल ई एन ग्रीन। विच पिक्चर इज दिस? विच एक्शन इज दिस? ये कौन सी एक्शन है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने सीखा है ना। तो कौन सी है ये? रीडिंग। कौन सी है? रीडिंग। यहाँ पर जो गर्ल दिखाई गई है वो क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है, यानी कि पढ़ रही है। तो रीडिंग का स्पेलिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स? R E A D I N G, reading। तो चलो स्टूडेंट्स लिखे हम। R E A D I N G, reading। R E A D I N G, reading। नेक्स्ट वन क्या है? विच पिक्चर इज दिस? ये क्या है? मैंगो। तो मैंगो किस में आता है? वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में आता है मैंगो? नहीं, मैंगो किस में आता है स्टूडेंट्स?
फ्रूट्स में, किस में आता है? फ्रूट्स में, फ्रूट्स में मैंगो, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स का राजा है, क्या है? राजा है। तो इसका स्पेलिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स? M-A-N-G-O, मैंगो, M-A-N-G-O, मैंगो। तो चलो लिखे स्टूडेंट्स, M A N G O mango, M A N G O mango, which picture is this? Fox, क्या है ये? Fox, तो fox का spelling क्या आएगा students? F O X, fox. F O X, fox, F O X, fox. Which picture is this? Ring, क्या है ये? Ring, तो ring का spelling क्या आएगा students? R I N G, ring, R I N G, ring. R I N G, ring, R I N G, ring. First वाला picture किसका था students? Sun, S U N, sun. Green, G R E E N, green. Reading, R E A D I N G, reading. Mango, M A N G O, mango. Fox, F O X, fox. Ring, R I N G, ring. तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने कितनी अच्छी तरीके से डिक्टेशन वर्ड्स एंड राइट द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर्स की प्रैक्टिस की है। तो आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में इन दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? स्पीक एंड राइट।